मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि इस्लाम पूजा पद्धति को नहीं मानता, तो फिर करवा चौथ के कार्यक्रम में आरिफ मसूद का क्या काम है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने आरिफ मसूद के भोपाल के करवा चौथ कार्यक्रम में भाग लेने पर कहा कि इस्लाम पूजा पद्धति को नहीं मानता, फिर करवा चौथ कार्यक्रम में उसका क्या काम था। उन्होंने खंडवा के एक जुलूस में विवादित नारे पर एतराज जताते हुए कहा कि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, जहां जातिगत कट्टरता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, मेरा तो बार बार यही मानना है, जैसे यदि उनको किसी ने बुलाया होगा तो वो कार्यक्रम में गए होंगे, पर वैसे इस्लाम पूजा पद्धति में विश्वास नहीं रखता, तो जो मानता नहीं है सनातन परंपरा को, तो वो ऐसे पूजा पाठ में शामिल होकर क्या करेगा। देखिए, ये राष्ट्रद्रोहिता का परिचय है, ये भारत हमारा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ इस प्रकार की जातिगत कट्टरता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। इस देश का संविधान बहुत सशक्त और मजबूत है, PFI पे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, और इस प्रकार की हिमाकत जो भी करेगा वो अपनी सजा खुद ही सुनिश्चित कर ले, राष्ट्रद्रोहिता की सजा कठोरतम होगी, कोई इस बात को ना भूले।